यह जसपुर जिला के फरसाबहार विकास खंड स्थित तपकारा गांव के हाई स्कूल का नज़ारा है। यहां पढ़ाई तो जारी है लेकिन हालात बहुत बदतर हैं। वीडियो में देख सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं लेकिन टपकते हुई छतें और सीलन भरे बदबूदार कमरे, इनमें आखिर बच्चे कैसे पढ़ते होंगे। इस हाई स्कूल का अपना इतिहास है। यहाँ कई राजनेताओं ने पढ़ाई की है लेकिन आज इस हाई स्कूल की स्थिति काफ़ी बदतर है। कहीं पर प्लास्टिक के तिरपाल में कितनी लापरवाह है यहाँ के टीचर और प्रभारी थी अपने स्कूल के, तो कहीं खिड़की दरवाजे भी ठीक से बंद, टूटा हुआ कमरा और पूरे दिख रहे हैं। पास में कल के दिन दबे हुए उसके मलबे मुश्किल पैदा करते हैं। फिर भी बच्चे यहाँ पढ़ाई करने आते हैं और पढ़ते हैं। शिक्षा को लेकर जबकि छत्तीसगढ़ सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, ऐसे में इस तरह का वीडियो या इस तरह का फोटो आना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है। लोगों को भरोसा है कि आने वाले दिनों में इस हाई स्कूल का भी कायाकल्प होगा। मुनादी न्यूज ब्यूरो। जुड़ी हुई है, सिर्फ स्कूल ही नहीं है, ये हमारा बचपन जहाँ गुजरा है वो जगह है। शिक्षा के मंदिर के साथ साथ और भी बहुत सारी यादें यहाँ से हैं। हम यहाँ से पढ़े हैं, हमारे पिताजी, हमारे चाचा जी, सारे लोग यहाँ से पढ़ के निकले हैं। तो आज ये सब चीज़ देख के बुरा लग रहा है कि स्थिति ऐसी है, और अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाता तो शायद इसमें सुधार किया जा सकता था। ध्यान देना चाहिए यहाँ के जो हैं प्रभारी जो हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि समय रहते अगर ध्यान दें तो ये सब चीज़ ठीक हो सकता था। अभी कितने सारे लोगों, कितने बच्चों का भविष्य यहाँ पे है जो चल रहा है, इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ें बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए सही नहीं है। आपने देखा कि यहाँ पूर्व में 20 वर्ष पूर्व के जो छात्र हैं उनके द्वारा ये जो बयान आया है, और यहीं में एक और छात्र हैं जो देख रहे हैं। आप कौन सा ईस्वी में पढ़े थे यहाँ? हमने इस स्कूल में लगभग 1900 के आसपास प्रवेश लिया था, जो कि आज स्कूल की स्थिति देख के बहुत ही दुख व्यतीत हुआ है। इस आप इस दुख को नहीं समझ सकेंगे कि क्या हुआ है, और मैं तो चाहता हूं यहां के नेता, यहां के अधिकारी जो हैं वो इस स्कूल को नज़रअंदाज कर दिए हैं। हालांकि कहना तो नहीं चाहिए लेकिन आजकल जो ट्रांसफ़र वाली प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया में जो लेन देन हो रही है, अधिकारी नेता जो पैसा अपने पॉकेट में डाल रहे हैं, वो ये सुन लें कि आपके घर में भी कभी ना कभी कोई बच्चा इस स्कूल में पढ़ा होगा या कोई स्कूल में पढ़ा होगा। अगर वो इस स्कूल की स्थिति ऐसी होती या आप पढ़ रहे थे वो स्कूल की स्थिति ऐसी होती तो आप पे क्या बीतता। बाकी कहने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन मैं आपसे बस अधिकारी से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस स्कूल को, मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस स्कूल में जल्दी से जल्दी नया निर्माण करा दें, और नेता जो हमारे वर्तमान नेता
विधायक जो हैं यूडी मीन जी, उनसे अनुरोध है कि इसको जल्द से जल्द आपके नेतृत्व में इसे पुनः अच्छा निर्माण करवाएं। बताइए महाराज, आप कौन सा इसमें यहाँ पढ़े थे और विद्यालय का जो स्थिति है